सारी फिर आ गई बड़ी बंदे के। तो ये इसका इरिगेशन सिस्टम इसके अंदर ही है, ठीक है। हाँ, ये लाइन के अंदर इरिगेशन सिस्टम है, जब जरूर तो इसको पानी आप लगा दें, मतलब ये हो गया सर। उसके बाद ये है हमारा प्रोपोगेशन, जो हमने मेगा प्रोपोगेशन के लिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किया था। बजाय एक कटिंग को आप मतलब एक थैली में लगाएं, ठीक है, क्यों ना इनको इकट्ठा ही लगा के जब इनकी रूट्स निकल आए और ये मतलब स्प्राउट्स हो जाए तो इनको अलग-अलग आप मतलब थैली में शिफ्ट कर दें। ये थोड़ी सी जगह पे मीडिया क्या यूज करते थे सर? हाँ जी, ये मीडिया क्या यूज किया हुआ है? मीडिया तो इसमें ये बाल वगैरह बस, ठीक है। हाँ, इसमें बाल वगैरह है ना। हाँ जी, उसके बाद फिर हमने इसको थोड़ा सा और इसको थोड़ा सा किया, तो फिर हम इसको इस स्टेज पे ले आए, एक फ्रेम बनाया, उसके अंदर ये टोकरियां रखी और इसको मतलब कवर कर दिया, तो फिर ये सिलसिला हो गया। फिर भी इसमें वही बाली मीडिया, ये नीचे नीचे बाली डाली, ऊपर से कुछ नहीं, ऊपर से ये हमने इसको लगाई थी अपना क्या कहते हैं मोम वगैरह, उसके साथ हमने इसको सील किया और ये भी हमारा मतलब कामयाब है। यहाँ पे किसी डिजीज का अटैक नहीं हुआ मॉइस्चर की वजह से? नहीं, डिजीज का वो उतना रखना पड़ता है ना मॉइस्चर जितना हमें चाहिए होता है, फिर उसमें एंटी फंगस वगैरह और वो चीजें हम इस्तेमाल करते रहते हैं। फिर जब ये सारा मामला हो गया तो फिर हमने कहा इसको बड़े पैमाने पे करते हैं, तो बड़े पैमाने पे हमने सारा ये मतलब जो है इसकी सारा ये कंट्रोल किया और इसके साथ हमने ये मिस्ट का स्प्रे हो रहा है। हाँ जी, ये मिस्ट है, ये मतलब इसके जो मॉलिक्यूल है वाटर के वो माइक्रोन में चेंज हो जाते हैं। तो ये देखें इंटरनोड डिस्टेंस, देखें आप जो चीजें वहां पे ग्रो हो रही है। इससे फायदा क्या, मिस्ट करने से क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि हमारी जो सप्राउटिंग हमने मतलब 6 महीने में जो प्लांट हमने तैयार करना था वो हमारा 2 महीने में तैयार हो गया, मतलब रैपिड इसकी मतलब जो इसमें हमने मुख्तलिफ किस्म के सीड ग्रो किए, फिर सारा किया। अच्छा, जब सर ये सारी चीजें मतलब हो गई तो फिर हमने कहा भी इसको अब ये मीडियम भी क्यों इस्तेमाल करें और ये टोकरियां भी क्यों इस्तेमाल करें, तो ऐसा तरीका ढूंढें जिससे मतलब ये है ना हमारा ये सारा काम जो है ना वो रैपिड हो जाए। तो इसके लिए फिर हमने सेंटर ने पिछले एक साल से एक प्रोजेक्ट पे तहकीक कर रहे थे हम, इसमें माइक्रोपोडेड प्लांट्स जो कि हम विट्रो एनवायरनमेंट में जिनकी क्रॉपिंग करनी है उस पर हमने एक्सपेरिमेंट किए थे और वो हमारे सारे के सारे माशाल्लाह एक्सपेरिमेंट कामयाब हुए हैं। तो उसमें हम इसको कमर्शियल स्केल पे अब इसकी माइक्रोक्राफ्टिंग हम करने जा रहे हैं। तो ये हमारी खट्टी कोई तकरीबन जो है कोई 2 लाख के करीब हमारी ये खट्टी अब तैयार है, तो इसमें हम ये सारा माइक्रोग्राफ्टिंग का
प्रोसीजर करेंगे। माइक्रो ग्राफ्टिंग में जो बुनियादी चीज है कि जब इसको कट लगाया जाए तो इसकी मुकम्मल तौर पर विट्रो एनवायरनमेंट हो,